जी राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भजनलाल कैबिनेट के मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, परियोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री सचिवालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी के पास वित्त विभाग, वहीं पर्यटन विभाग, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास, तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग, आयुष विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। तो वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास, तमाम विभागों के बंटवारे हो गए हैं। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु हमारे साथ ग्राउंड से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, क्योंकि देखिए तमाम मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं मुख्यमंत्री के पास 8 विभाग, और इन विभागों के बारे में एक बार आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तमाम विधायकों को, तमाम जो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। 30 तारीख को शपथ लेने के बाद इंतजार यही था और आखिरकार आज राज्यपाल ने अनुमोदन किया और उसके बाद अब बंटवारा कर दिया गया है। ये बड़ा राजस्थान के लिए एक राहत भरी बात भी है, क्योंकि अब जो सरकार का कामकाज है वो सुचारू हो पाएगा। हालांकि जो विभागों का बंटवारा किया गया है वो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से किया, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, 8 विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं। वहीं दोनों उप मुख्यमंत्रियों को विभाग दिए गए हैं, साथ ही जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनको स्वतंत्र प्रभार, उनको यहाँ पर प्रभार दिया गया है। बात आप कर रहे थे यहाँ पर, मेरे सहयोगी हैं शशि मोहन, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये विभागों का बंटवारा किया और क्या आगामी इसके ध्यान में रख के किया। शशि, लगातार विभागों का बंटवारा कर दिया है, अब किस तरह से आगामी सुचारू काम चलेगा और विभागों के बंटवारे में क्या ध्यान रखा गया महत्वपूर्ण? देखिए, विभागों के बंटवारे में जो सबसे पहली बात ध्यान में रखी गई है वो है सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस। अब एक और संयोग भी दिख रहा है विष्णु, जो इस खबर को मैं लिख ही रहा था कि एक विशिष्ट संयोग दिख रहा है, केंद्र और राज्य में दोनों जगह पहली बार ऐसा मौका है जब महिला नेता वित्त मंत्री का प्रभार संभाल रही हैं। और इसी तरीके से देखिए आप, केंद्र में निर्मला सीतारमण के पास में ये विभाग है, तो यहाँ पर दिया कुमारी अब वित्त विभाग संभालेंगी, मुख्यमंत्री ने उन्हें वित्त विभाग का आवंटन किया है, तो ये एक बड़ी बात है। और साथ में पूरे सामाजिक ताने बाने को देखते हुए और मंत्री परिषद को बैलेंस रखते हुए सबको पर्याप्त काम मिल सके। आप देखिए, मुख्यमंत्री के पास में गृह विभाग है लेकिन साथ में जवाहर सिंह बेडम को अटैच किया गया है, दिया कुमारी के पास में ये माना जा रहा है कि विभाग ज़्यादा है, वित्त है, पीडब्ल्यूडी है, पर्यटन है, कला और संस्कृति है, महिला और बाल विकास है, बाल अधिकारिता है, लेकिन साथ में उनके सहयोग के लिए मंजू बाघमार जैसी लर्नेड महिला है जो खुद कॉलेज शिक्षा में पढ़ाती हैं, उनके पास में महिला और बाल विकास, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाल अधिकारिता जैसे विभाग उनको सपोर्ट करने के लिए दिए गए हैं। और साथ में आप देखिए कि हेमंत मीणा जैसे आदिवासी अंचल से आने वाले नेता को बड़ा विभाग दिया गया है, राजस्व विभाग जैसा बड़ा। तो हालांकि ये हेमंत मीणा को अपने आप को निखारना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि वो पहली बार के विधायक बने, पहली बार में कैबिनेट मंत्री बने और पहली बार में उनको राजस्व विभाग मिल गया। राजस्व विभाग संभालना बहुत बड़ी टास्क है, सभी जिला कलेक्टर से डील करनी है आपको, सभी SDM से डील करनी है, तो और प्रदेश में रेवेन्यू और साथ में जो जमीनों का आवंटन अगर किसी मामले में होना है तो वो सही तरीके से हो, और रेवेन्यू के जो मसले हैं, इसका डिजिटाइजेशन है, ये बड़े विषय हैं। इसके साथ में आप ये देखिए कि ओटाराम देवासी को सहयोगी के रूप में लगाया है, गौतम दत्त को सहकारिता विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग दिया है। सहकारिता विभाग इस लिहाज से पूरा बड़ा है कि प्रदेश में कोऑपरेटिव मूवमेंट के रूप में पिछले समय से चला है, चाहे आप डेयरी के रूप में देखें या जो किसान जो हैं FPO बने हैं और किसान सामूहिक रूप से खेती करने के लिए कई जगह इन्होंने कोऑपरेटिव का विकास किया है। और साथ में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको नियमित करना, उनका काम प्रदेश में
पिछले समय लोगों को परेशान करने का एक नया तरीका बन गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए खासतौर से। पिछली बार जो उदयलाल आंजना थे मंत्री, वो खुद कहते थे कि उन्होंने जयपुर में एक प्लॉट खरीदा सोसाइटी का और उसका पट्टा किसी और को दे दिया सोसाइटी ने। तो ऐसे जब मंत्रियों को सोसाइटी नहीं बख्श रही तो गौतम दत्त को कड़ी मेहनत करनी होगी इन सबको लगाम कसने के लिए। संजय शर्मा को वन और पर्यावरण विभाग दिया गया है, इसमें एनवायरमेंटल चेंजेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी दी गई हैं। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कृषि विपणन विभाग पहले भी देख चुके हैं, नहरी क्षेत्र से आते हैं तो नहरी विकास विभाग दिया है, और अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए इनको अल्पसंख्यक विभाग जाना बनता भी था। बाबूलाल खराड़ी जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, खुद एसटी के हैं, आदिवासी हैं, और उस टीएसपी क्षेत्र को कैसे विकसित किया जा सके उसका बड़ा जिम्मा इनके ऊपर होगा। गृह रक्षा विभाग दिया है, जो बहुत ज़्यादा बड़े काम तो इसमें नहीं होते हैं, लेकिन होमगार्ड्स की जो समस्याओं का समाधान अगर ये कर सकें तो इनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वो समय समय पर चाहे इनको जो मानदेय मिलता है उसको लेकर के और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, प्लस कई बार ये नियमित करने की मांग करते हैं। आपने देखा भी होगा जलकन सिंह राठौड़ कई बार इस तरह की बात लेकर के आपके पास भी दफ्तर आए हैं, और पिछली सरकार के समय भी इन्होंने कई बार मांग की, उनको लगा कि साथ मिलेगा, तो चुनाव के समय उन लोगों की जो मांगें थी वो पहले 2013 का जो 18 का जो चुनाव था उस समय उनको लगता था कि कांग्रेस पार्टी समाधान करेगी, अब इनको नई सरकार से उम्मीदें होंगी। और गजेंद्र सिंह खीमसर हालांकि ऊर्जा विभाग में काम कर चुके हैं, उद्योग विभाग जैसा बड़ा महकमा संभाल चुके हैं, वो उनको ऊर्जा अगर देते तो एक अलग तरीके से वो काम करते। अब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जब इनको दिया है तो इनके लिए नया विभाग है, सीखने को भी काफ़ी होगा, हालांकि काम भी काफ़ी करने होंगे। सुमित गोदारा को फूड एंड सिविल सप्लाई दिया है, तो किस तरीके से NFSA की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको अगर ये सुधार सकें, पोस्ट मशीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्लस जो राशन की दुकान वाले जो लोग हैं राशन डीलर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के, उनकी अगर समस्याओं का समाधान कर सकें तो ये इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। अविनाश गहलोत को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जैसा दिया है। देखिए, ज्योतिबा फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, ये दो ऐसे विचारक चिंतक माने जाते हैं। सावित्रीबाई फूले ने महिला शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया और समाज में छुआछूत का विरोध किया इन्होंने, तो ऐसे लोगों की सीख के ऊपर आने वाले अविनाश गहलोत को अगर आप सामाजिक न्याय विभाग देते हैं तो इसका मतलब सरकार की उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। समाज में जो कथित रूप से असमानता की बात आती है उसको दूर किया जा सके, सोशल सिक्योरिटी की पेंशन खासतौर से निशक्तजन जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए सुधारात्मक कदम हो सके, जो अब तक पिछली सरकार की शुरू की गई पेंशन योजनाएं, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, इन सब पेंशन को स्ट्रीमलाइन कर सकें, इसका डिजिटाइजेशन कर सकें, जिससे कि ऑन रिकॉर्ड वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सके सबका, ये सारी चीज़ें अगर कर सकें तो अविनाश गहलोत के लिए भी बेहतर होगा। समाज के हर तबके तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, वही असल सामाजिक न्याय है, तो उस सामाजिक न्याय के लिए इनको मेहनत करनी होगी। सुरेश रावत को जल संसाधन और जल संसाधन योजना जैसा विभाग दिया गया है, ये इस मायने में अहम है कि पश्चिमी राजस्थान तो पूरा ही सिंचाई तंत्र का इंतज़ार कर रहा है, आपको ERCP बनानी है। ERCP के लिए आपके पास में 37,000 करोड़ रुपए की पिछली बार स्कीम थी, जो आपकी DPR थी, वो अब कितने की DPR हो जाएगी, क्या आप उस काम को सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। प्लस इसके साथ में आप ये देखिए कि भले ही पेयजल मुहैया कराना PHED का जिम्मा हो, लेकिन पेयजल को रिजर्व में इकट्ठा करना, उसके लिए बांध बनाना और उसके लिए सिंचाई तंत्र बनाना, नहरी तंत्र बनाना, ये जल संसाधन विकास का काम है, तो उस लिहाज से इनको भी बड़ा काम होगा। जोगाराम पटेल को कोई बहुत बड़े एरिए का या बड़ी एक्सरसाइज का काम दिया हो ऐसा नहीं है, हालांकि संसदीय कार्य विभाग ने दिया गया है, जो बेगारी का काम माना जाता है, सदन में फ्लोर मैनेजमेंट सही तरीके से हो सके ये काम दिया है, क्योंकि लॉ ग्रेजुएट हैं, वकील रहे हैं पेशे से, इसलिए विधि और विधायी कार्य न्याय विभाग भी इनको दिया गया है, जस्टिस डिपार्टमेंट भी। एक महत्वपूर्ण बात खान विभाग से जुड़ी हुई है,
ये संशय की स्थिति आई लिस्ट देख करके कि क्या खान विभाग किसी को दिया गया है या नहीं दिया गया है, लेकिन इस लिस्ट में साफ लिखा है कि जो विभाग किसी भी मंत्री को या विधायक को नहीं बांटे गए हैं वो विभाग मुख्यमंत्री के अधीन रहेंगे, इसमें साफ तौर पर है, इसलिए कोई बहुत बड़े कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उद्योग व्यापार और वाणिज्य जैसा विभाग दिया है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, खुद सैनिक रहे हैं, सैनिक कल्याण से इनकी उम्मीद है कि इन ये अच्छा काम कर सकेंगे। युवाओं के रोल मॉडल रहे हैं राज्यवर्धन, तो युवाओं को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, कैसे सही लाइन पर लेकर के आना है और उनके कौशल विकास के लिए क्या काम किया जा सकता है। आपको ध्यान होगा वसुंधरा राजे जब बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष थी 2013 का जब चुनाव लड़ा था तो पार्टी ने जो रोजगार है वो बड़ी संख्या में उपलब्ध कराने की बात कही थी और मुझे ऐसा ध्यान आता है 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी 5 साल में, तो वो रोजगार नहीं थे बल्कि रोजगार के अवसर मुहैया कराने थे। अब आप किसी को कारपेंट्री में, किसी को टेलरिंग में, किसी को माइनिंग सेक्टर में, किसी को प्लम्बिंग में, किसी को इलेक्ट्रिसिटी में, किसी को स्टोर मैनेजमेंट में, किसी को स्वरोजगार में, इन सब के लिए अगर आप तैयार करते हैं तो आप उनके लिए कौशल विकास करके रोजगार के अवसर तैयार करते हैं, साथ में आप ये मैन पावर तो तैयार कर देंगे लेकिन उसके हिसाब से इंडस्ट्री लाना वो उद्योग विभाग का जिम्मा है, जो मौजूदा इंडस्ट्री है उसको सही तरीके से संसाधन मुहैया कराए जाएं और उनकी बात सुनी जाए, सिंगल विंडो सिस्टम उनको प्रोवाइड कराया जाए, इंडस्ट्री लगाने के लिए अलग अलग जगह चक्कर नहीं काटने पड़े और साथ में उस उद्योग को आने वाले उद्योग के लिए सप्लाई इनपुट के लिए कौशल विकास करना इस विभाग का काम रहेगा। और ये निवेश बड़ा मुद्दा है लगातार यहाँ पर इंसर्जेंट राजस्थान या कई चीज़ें यहाँ पर शुरू की गई थी तो ऐसे में निवेश लाना भी बहुत बड़ा इसी महकमे का जिम्मा है। देखिए निवेश लाना बड़ा मुद्दा है और पिछली बार जब गजेंद्र सिंह खींवसर उद्योग मंत्री थे वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल में तब रिसर्जेंट राजस्थान का कार्यक्रम हुआ था और इसमें 3500 करोड़ से ज़्यादा के MOU हुए थे लेकिन वो कितना धरातल पे आया, वो आखिरी समय था, सरकार के लिए काम करने के लिए बहुत कम समय बचा था, तब कई बड़े इन्वेस्टर ऐसे थे वो आना चाहते थे। अब आपके ऊपर बड़ी टास्क रहेगी उन MOUs को फॉलो करें, जो नहीं आ सके उनकी क्या कमी रही, क्या कारण रहे जो वो नहीं आ सके चले गए आपके पास में। आप देखिए जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, ये मारवाड़ी उद्योगपतियों के लिए कहावत है, तो जो मारवाड़ी उद्योगपति दुनिया भर में चला गया उसको आप अपनी मातृभूमि पर लेकर के आने में अगर संकोच करें तो वो कमज़ोरी होगी। ऐसे में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को और ज़्यादा एग्रेशन के साथ में और ज़्यादा मेहनत के साथ में काम करना होगा। आपके एलन मित्तल हैं, आपके बजाज हैं, आपके बिरलाज हैं, आप कई बड़े घराने इस मिट्टी से निकले हैं और वो यहाँ आने के लिए तैयार हैं। आप खास तौर से देखिए KBN का नोड है खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा का, साथ में पाली मारवाड़ जोधपुर का एक नोड है और फिर एक नोड उदयपुर का है, तो जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है जो दिल्ली मुंबई को जोड़ेगा, केवल मालवाहक ट्रैक जिसपे बनेगा उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा अगर दिल्ली हरियाणा राजस्थान गुजरात को देख लें तो 38% हिस्सा अकेले राजस्थान से जाता है और ये सबसे बड़ा पार्ट है और यहाँ पर 3 आपके इंडस्ट्री के स्पेशलाइज जोन है, तो इन जोन को आप डेवलप करिए, आप यहाँ के लिए बढ़िया काम लेके आइए। आपने जब सेज शुरू किया था तो स्पेशल इकोनॉमी जोन एक महिंद्रा का सेज बना, उसके बाद में ज़्यादा काम नहीं हुआ, तो वो आप डेडिकेटेड सेज कैसे विकसित कर सकते हैं। ज़मीन की कमी नहीं है, देखिए उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में तो ज़मीन की कमी है, यहाँ आने वाले इंडस्ट्री के लिए ज़मीन की कमी नहीं है, यहाँ आप इच्छा शक्ति कितनी दिखा सकते हैं और उस आधार पर ये लोग काम कर सकते हैं। साथ में आप देखिए संघ की विचार पृष्ठभूमि से आने वाले मदन दिलावर को शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया है, स्कूल शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों की नींव कितनी मजबूत हो, किस तरीके से हो। आपको ध्यान होगा जब वासुदेव देवनानी शिक्षा मंत्री थे देश में अलग अलग राज्यों का शिक्षा मॉडल का सर्वे हुआ तो राजस्थान दूसरे नंबर पर आया था और 26वें पायदान से दूसरे पायदान की छलांग राजस्थान ने लगाई थी। तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उस समय देवनानी के राजस्थान सरकार के कामकाज की तारीफ की थी, तो ये उनके लिए मदन दिलावर के लिए एक अवसर के समान है कि इस अवसर को बहुत बेहतरीन तरीके से काम करें। किरोड़ीलाल मीणा को ग्रामीण विकास से जोड़ना चाहूंगा आपके पास आऊंगी। आशीष चौहान मेरे सहयोगी वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष देखिए कि प्रधानमंत्री का आज दौरा है, 3 दिवसीय दौरा होगा, उससे पहले देखिए कि विभागों का बंटवारा हो गया, आपने ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें क्या स्पेशल देखा?
देखिए हमारे तमाम जो सहयोगी है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, एक एक का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार किसे किस रूप में यहाँ पर जो विभाग यहाँ पर दिया गया है और किस लिहाज से। मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है भरतराज। भरत, आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री को जिस तरीके से गृह विभाग दिया गया और फाइनेंस जो है दिया कुमारी को दिया गया है और प्रेमचंद बैरवा को परिवहन के साथ साथ तकनीकी विभाग भी दिया गया, यानी कि पूरी तरीके से कैबिनेट या फिर बात की जाए डिप्टी सीएम पूरी तरीके से बैलेंस नज़र आ रही है टीम। देखिए निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल है और नए चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं, उसके साथ ही जो महत्वपूर्ण विभाग है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास रहे हैं, उसमें डीओपी उन्होंने रखा, सामान्य प्रशासन, प्लानिंग, इस तरह के जो विभाग हैं और हमेशा मुख्यमंत्री को अपने पास में रखता। हालांकि पिछली गवर्नमेंट में फाइनेंस का जो काम था वो मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन अशोक गहलोत उनके पास में था, लेकिन इस बार फाइनेंस का जो काम है डिप्टी सीएम दिया कुमारी के पास रहेगा। उनके पास में पर्यटन भी रहेगा, महिला बाल विकास, इस तरह के डिपार्टमेंट भी उनके पास में रहेंगे, लेकिन फाइनेंस उनके पास रहेगा। और हो सकता है कि अब तो जो बजट होगा बजट सत्र में बजट पढ़ने का काम भी विधानसभा में दिया कुमारी करती हुई नजर आएगी। सालों के बाद में मुख्यमंत्री के अलावा कोई दूसरा मंत्री जो है वो बजट पढ़ता हुआ दिखाई देगा। मेरे सहयोगी यहाँ पर दीपक भी मौजूद है। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से डिपार्टमेंट का यहाँ पर बंटवारा किया गया है किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से आप विश्लेषण करेंगे इसका? देखिए इसका सभी को इंतजार था क्योंकि एक कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम और सीएम को शपथ लिए हुए 15 तारीख यानी कि करीब एक पखवाड़े से ज़्यादा का समय बीत चुका था और मंत्रिमंडल का गठन यानी कि 30 तारीख को हुआ था मंत्रिमंडल का गठन यानी कि नए साल के आगमन से पहले इंतजार था कि पोर्टफोलियो किसे क्या मिलता है। लेकिन सबसे इसमें यदि देखा जाए तो सबसे पावरफुल दिया कुमारी को कहा जा सकता है और सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आई है। फाइनेंस उनको डिपार्टमेंट दिया गया है, उनको पर्यटन कला उनके जो रुचि वाले जो सब्जेक्ट वाले जो डिपार्टमेंट हैं उनको यहाँ पर दिए गए हैं। महिला है, महिला बाल विकास की जिम्मेदारी संभालेगी। पीडब्ल्यूडी सड़कों का जाल किस तरीके से बिछाना है बड़ा एक कह सकते हैं कि उनके पास एक उनके पास टास्क रहेगा कि गाँव ढाणियों की सड़कों तक कैसे सड़क पहुंचे, गांव ढाणियों तक कैसे सड़क पहुंचे, कनेक्टिविटी कैसे हो हाईवे से गांव ढाणियों की। कई हालांकि अशोक गहलोत सरकार ने समय समय पर गांव ढाणियों को जोड़ने की सड़कों से जोड़ने की कोशिश की है, सड़कों का जाल बिछाया है, लेकिन अब दिया कुमारी के ऊपर जिम्मा है। इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा, क्या वे पावरफुल है किरोड़ीलाल मीणा? देखिए किरोड़ीलाल मीणा को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, देहात से वो आते हैं, आप सवाईमाधोपुर से चुनाव जीत कर आए हैं, एग्रीकल्चर उनको डिपार्टमेंट दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत राज आप खुद देखते हो, लेकिन पंचायत राज को अलग कर दिया और ग्रामीण विकास विभाग को अब अलग कर दिया है, यानी कि अब इसके अलग अलग मंत्री होंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट उनको डिपार्टमेंट दिया गया है। आपदा हाल में ही शीतलहर चल रही है, एडवाइजरी हाल में आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी करी है, उनको जिम्मा दिया गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ DOIT, यानी कि आप देखिए कि गहलोत सरकार में DOIT जो डिपार्टमेंट है वो सुर्खियों में रहा है। उसके बैचमेंट के अंदर पैसा मिलना, टेंडरों पर सवाल खड़े होना गहलोत सरकार के अंदर बड़ा सुर्खियों के अंदर जो उसके सॉफ्ट जो प्रोजेक्ट हैं वो सुर्खियों में रहे हैं और सुर्खियाँ बटोरते रहे हैं। क्या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो इलीगेशंस जो उसकी जो DOIT डिपार्टमेंट जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग है उसकी जो छवि खराब हुई क्या उसको सुधारने में उनकी कितनी भूमिका रह पाती है, ये एक देखने वाली बात होगी। क्या वहाँ का जो पूरा स्ट्रक्चर है जो सालों से जमा हुआ है दूसरे डिपार्टमेंट्स में, वहाँ जो डेपुटेशन से पर जो अधिकारी लगे हुए हैं सालों से एक ही पद पर बैठे हुए हैं, क्या उनको बदला जाएगा, क्या पूरा स्ट्रक्चर बदला जाएगा, इस पर उनको काम करने की ज़रूरत है और तभी उसकी छवि, क्योंकि DOIT की जो डिपार्टमेंट है उस पर निगाहें बहुत कम लोगों की रहती है, लेकिन जब से वहां पर सोना और जो पैसा उगला बेसमेंट में तब से लोगों की निगाहें हैं, वहां के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और किस तरीके से उस प्रोजेक्ट पर काम हुआ, कैसा उनको पैसा जो टेंडर जिनको ठेकेदारों को टेंडर दिए गए उनको कैसा पैसा कैसे पहुंचाया गया, इन तमाम चीज़ों की उनको विश्लेषण करने की जरूरत है। सुमित गोरारा फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, उपभोक्ता कंज्यूमर डिपार्टमेंट उनको दिया गया। सुमित गोदारा लूनकरण से विधायक हैं, कैबिनेट कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा है और कैबिनेट में उनको गरीब व्यक्ति यानी कि 4.46 करोड़ जो कह सकते हैं कि पात्र लोग हैं व्यक्ति हैं उनको उनके हक का निवाला कैसे पहुंचे, यानी कि बीच में लीकेज नहीं हो। खबरें हमने देखी कि आप देखिए FCI से गोदाम से ट्रक निकलता है बीच में गायब हो जाता है, राशन डीलर तक नहीं पहुंचता है और जो आम जनता है जिसको उनके गरीब जो जनता है उसको जो फ्री के अंदर जो अन्न मिलता है अनाज मिलता है। मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिये सुरेंद्र पाल सिंह TT उनकी बात करें, अभी वो चुनाव भी नहीं जीते और मंत्री उन्हें बना दिया गया, विभाग की बात करें तो
कृषि विपणन और इंदिरा गांधी नहर विभाग महत्वपूर्ण विभाग उन्हें भी बांटे हैं, इसके बारे में मैं विश्लेषण चाहूंगी आपसे। बिल्कुल, बात की जाए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की, आज प्रत्याशी हैं, चुनाव हुए आज वहाँ पर करणपुर में, तो ऐसे में उनको मंत्री बना दिया और मंत्री के बाद विभाग भी बंटवारा कर दिया। जो विभाग हैं वो पहले भी इन विभागों के मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में, और नहरी क्षेत्र पूरा गंगानगर हनुमानगढ़ ये पूरा नहरी क्षेत्र है, तो ऐसे में नहरी क्षेत्र में उन्हें दिया गया है। साथ ही अल्पसंख्यक मामला विभाग भी दिया गया है, खुद अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर किसी मुस्लिम का टिकट नहीं दिया गया और उन्हें जीत के आया, तो ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय से है तो वो महकमा उन्हें दिया गया है। कुल मिला के ये जो विभाग दिए गए वो सही है। अब रहेगा इंतजार जब मतगणना होगी संडे रविवार को, तो उसमें ये जीत जाए ये बड़ी बात होगी, वरना उस आधार पर रहेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी है शशि मोहन, उनसे वापस बात करते हैं। शशि, बंटवारा किया गया विभागों का, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी महत्वपूर्ण विभाग दिए गए, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी इससे पहले भी कृषि विपणन और नहरी क्षेत्र के विभाग के मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अभी वो चुनाव में हैं। अभी उनके वोटिंग के लिए तकरीबन 40 मिनट का समय और शेष है, 6 बजे तक वोटिंग होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने इस चीज़ का माइलेज लेने की कोशिश की होगी, जब उनको विभाग का मंत्री बना दिया है और फिर विभाग भी आवंटित कर दिया है, तो क्षेत्र की जनता सरकार के इस सम्मान को किस तरीके से रेस्पॉन्ड करती है ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। टीटी अगर जीत करके आते हैं तो अच्छा काम करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। टीटी दरअसल उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पंजाब से जुड़ा हुआ है, पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रभाव है। अब लोकसभा चुनाव में टीटी को मंत्री बनाने का फ़ायदा क्या बीजेपी पंजाब में ले पाएगी, क्योंकि उनको उधर भी प्रचार का जिम्मा दिया जा सकता है अब लोकसभा चुनाव में। हालांकि सारी दूर की कौड़ी है, लेकिन कोशिश उनकी यही होगी कि चुनाव जीत करके पहले आएँ, अच्छा काम करें और काम करके पार्टी को मजबूत पंजाब में भी करें। ये कई बार कहा जाता है करणपुर के क्षेत्र में कि भाई सहानुभूति लहर चल रही है, लेकिन सहानुभूति लहर कब तक होगी? और अगर जनता को दिख रहा है कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री बन रहे हैं, क्या उसके बावजूद भी सहानुभूति लहर होगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन होगी सरकार की। बिल्कुल, क्योंकि शशि पिछले दिनों वहां पर पानी को लेकर मुद्दा भी बना था, आंदोलन भी हुए करणपुर हनुमानगढ़ गंगानगर और इनमें, तो ऐसे में उन्हीं विभाग का उसी विभाग का मंत्री उन्हें बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जनता भी सोचेगी, क्योंकि लगातार देखिए जनता सोचेगी बिल्कुल, लेकिन वहाँ समस्या ये थी कि पिछली बार जब डॉक्टर रामप्रताप नहरी क्षेत्र के मंत्री थे, सिंचाई मंत्री थे, तो नहर में पानी लेने के लिए आधा आधा एक एक किलोमीटर तक नहर से लेकर के पाइप डलवा रखे थे, और वो सारे पाइप इलीगल थे। उसके लिए बाकायदा नहरी क्षेत्र में पानी चोरी के मुकदमे दर्ज करने के लिए एक थाना खुला हुआ है, जिस तरीके से बिजली चोरी के मुकदमों के लिए थाना होता है, पुलिस की टीम बिजली में एंटी विजिलेंस में होती है, तो वैसी ही टीम वहाँ पुलिस की है, वो पानी चोरी के मामले रोकने का काम करती है, वो एक बड़ी समस्या है। साथ में वहाँ सेम की समस्या बहुत बड़ी है, आप नहर तो ले आए लेकिन नहर की जहाँ जहाँ सीपेज हो जाती है, तो सेम की समस्या से वहाँ की आसपास की जो ज़मीन है उसमें अनुपजाऊपन और जो सफ़ेद पपड़ी आ जाती है, पानी आ जाता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ में नहर का मरम्मत का काम काफ़ी समय से नहीं हुआ है, तो क्या पंजाब गवर्नमेंट से टाई अप करके उस नहर का मरम्मत करा सकेंगे? और जैसलमेर में जो मोहनगढ़ में टेल क्षेत्र है वहाँ तक पर्याप्त पानी नहीं पहुँचता, तो वहाँ तक भी पानी पहुँचाना होगा, ये नहरी क्षेत्र के। खुशबू, एक बड़ा मामला और है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग का जिम्मा अपने पास रखा है, बड़ा महकमा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जिस मुद्दे को लेकर यहाँ चुनाव में उतरे थी बीजेपी और चुनाव जीत कर आई है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है और सारा। एक बड़ी बात हो रही है कि विपक्ष इसको लेकर, जब बीजेपी विपक्ष में इतनी सवाल उठाती थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भी गृह विभाग था और गृह विभाग होने के बाद उन्हें अलग से कोई गृह मंत्री नहीं मिला, इसका लगातार 5 साल तक मुद्दा उन्होंने उठाया कि क्या उन्हें कोई गृह जो मंत्री है वो नहीं मिल पाया। अब लगता यही है कि जो विपक्ष है यानी अब कांग्रेस,
लगभग यही सवाल उठा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पर लगातार चले थे। मेरे सहयोगी से वापस बात करते हैं। शशि, मुद्दे अपनी जगह होते हैं पर प्रमुख भूमिकाएं बदल गई। इसी मुद्दे को लेकर 5 साल अलग से मुख्यमंत्री नहीं है और मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे पाते हैं। गृह विभाग पर कानून व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी सवाल उठाती रही है। अब विपक्ष के पास ये सवाल होगा, लेकिन आपको ध्यान होगा कि गृह मंत्री पिछली सरकार में दो थे, एक अशोक गहलोत थे, एक राजेंद्र सिंह थे, राजेंद्र सिंह यादव थे, वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बाद में बनाए गए राज्य मंत्री थे और अशोक गहलोत के साथ में अटैच किए गए थे, बाद में बनाए गए थे, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन पुलिस के ऊपर क्या राज्य मंत्री का कमांड पूरा हो सकता है, सवाल ये कि क्या पुलिस के अधिकारी आसानी से राज्य मंत्री के डायरेक्शंस को पचा पाएंगे। और सवाल नंबर दो ये कि जो घटनाएं होती हैं, देखिए पुलिसिंग आप जानते हैं विष्णु, आपने लंबे समय तक गृह विभाग की रिपोर्टिंग भी की है और पुलिस का कोई पहलू चाहे वो PHQ का हो या गृह विभाग का हो वो आपसे छाना नहीं है। कहा यही जाता है कि भाई जो खबर विष्णु शर्मा के पास है होम में वही खबर है। तो पुलिस में प्रिवेंटिव पुलिसिंग होगी, उसके बाद में आप क्राइम डिटेक्शन की पुलिसिंग होगी, और अगर क्राइम हो गया तो उसके बाद में आरोपी को पकड़ना, फिर उसका चालान पेश करना और उस चालान का एग्जीक्यूशन कराना, यानी उसको कन्विक्शन उसका कराना। तो कन्विक्शन होना नहीं होना तो न्यायालय के हाथ में, आप कितनी मजबूत पैरवी करते हैं ये विधि विभाग के हाथ में है, विधि और न्याय विभाग के हाथ में, क्योंकि AG और जो सरकारी वकील हैं वो पैरवी करेंगे। आपके हाथ में ये है कि आप मुकदमा कितना मजबूत बनाते हैं, आप सबूत कितने पुख्ता जुटाते हैं, और आप प्रिवेंटिव पुलिसिंग जो रोकथाम की पुलिसिंग है क्राइम प्रिवेंशन की, वो कितने मजबूत तरीके से आप करते हैं। शशि, इसमें एक बड़ा मामला और है कि इंटेलिजेंस, क्योंकि क्राइम होने से पहले इंटेलिजेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, और पिछले दिनों अगर देखा जाए कांग्रेस सरकार में इंटेलिजेंस फेल्योर थी कई मामलों को लेकर, तो क्या लगता है कि अब साथ में तो इंटेलिजेंस मजबूत हो पाएगी? नहीं, इंटेलिजेंस फेल्योर थी, लेकिन 2020 में तो इंटेलिजेंस पुख्ता थी, इसीलिए सरकार कथित रूप से गिरने से बच गई। जो कथित रूप से जो फोन ट्रेसिंग हुई और बताया गया कि प्रतापगढ़ में और डूंगरपुर में कुछ लोग पोटाश और विस्फोटक लेके जा रहे हैं, उनके फ़ोन ट्रेस करने हैं, जो भी काम हुआ चाहे वो राजीव स्वरूप के समय हुआ हो, उन्हें इनाम के रूप में भले ही मुख्य सचिव की कुर्सी मिली हो, लेकिन वो होम विभाग का कमांड मुख्यमंत्री के पास था तभी सब कुछ संभव हो सका। और आप ये देखिए कि जब महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट आया, उद्धव ठाकरे के पास में गृह विभाग नहीं था, लेकिन उसके बाद जब शिंदे गृहमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं तो गृह विभाग उन्होंने अपने पास में रखा। बिल्कुल खुशबू, लगातार यही है कि सवाल भले ही उठते रहे लेकिन जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो क्या सोचकर विभाग अपने पास रखते हैं और आगे जो विभागों का बंटवारा किस तरह करते हैं। सवाल तो अब उठेंगे, लेकिन सवाल कितने भी उठ ले अब तो बंटवारा हो गया। मैं आपके पास आऊंगी फिर से, आशीष भी मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आपके साथ तमाम सहयोगी हमारे और उनके साथ मिलकर आप जो मंत्रिमंडल में विभागों का जो बंटवारा हुआ उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, आप एक एक बारीकी से चीजें उनसे जान रहे हैं, एक बार फिर से बातचीत करिए जाने, ठीक है मैं